मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पेश करेंगी। पूरे देश की नजर आम बजट पर टिकी है। हर तबका अपने लिए बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। वहीं बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है, तो वहीं निवेश बढ़ाने के इरादे से नियमों में बदलाव का प्रस्ताव बजट में पेश किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई है। यही उम्मीदें हैं कि जो भी एजुकेशन के लिए बजट निकलेगा वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी बजट का अमाउंट निकलता है वो एक्चुअल अमाउंट उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, डेली जो बेसिस चीज़ें हों, उनमें थोड़ी सी कटौती होना चाहिए। आई थिंक जो सिलेंडर है, ये जो बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उस पर थोड़ा सा कटौती होना चाहिए। बिजली का बिल भी जैसे बहुत आ जाता है, अपन कम चलाते हैं और ज़्यादा आ रहा है, उस हिसाब से ने अपना इसकी अपनी जितनी अपनी हो इनकम उस हिसाब से बजट अपना होना चाहिए। मैं बस सरकार से यही चाहूँगा कि आजकल यूथ बहुत अनएम्प्लॉयड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे जिससे यूथ को प्रॉब्लम ना हो। व्यापारी के लिए परेशानी कम होना चाहिए। व्यापारी के लिए उच्च वर्ग का लोग तो मेंटेन कर लेते नीचे वाले के, लेकिन बीच वाला पिस जाता है। जो उन्होंने वादा किया है, चुनावी जो उनके वादे थे, चुनावी जो मुद्दे थे, उस तरह है होना चाहिए। हमारी समझ से सबका विकास, सबका साथ,